गुड मॉर्निंग, होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और फाइनली मैं वापस जम्मू आ चुकी हूँ और फाइनली अब स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा कि वो करूँगी, मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी। रात को इतनी बारिश हुई है कि इसमें से ये भी बाहर आ गया। बेचारे मेरा पुदीना, इसकी जड़ें भी बाहर आ गई। ये मैंने अंदर रखा था, इसको धूप ही नहीं लगी। और ये कैसा है, और इसको धूप लगी, ये कैसा है। ये भी वैसे हो गया है नया, इसकी बजाय तो ये वाला अच्छा ग्रो कर गया। थोड़ा इधर ऐसे करना पड़ेगा मुझे, ऊपर से पड़ता है पानी, तीन है ना ऊपर, ये पानी पड़ता है और इसमें गिरता है। रात की पता कितनी बारिश हुई है, मेरे को तो पता भी नहीं चला। मैं सोई थी घोड़े बेच के, पहले मुझे लगता है लेकिन मैं सोई कितनी, 2 बजे से सोई थी ना, 2 बजे के बाद ही बारिश हुई है जितनी भी हुई है। और पार्क देखना कितना मज़ेदार हो गया, ग्रीनरी देखो, क्योंकि वो रोज बारिश हो रही है ना, पहले इसको पानी नहीं लगता था इसलिए ये वो था, ब्राउन हो गया था। अब इसको पानी लग रहा है, रोज़ बारिश हो रही है, इतना सही हो गया पार्क भी। अब इसकी कटिंग करने वाली हो गई वैसे, और इतने दिनों के बाद अपने छत पे आ गई। इसी कितने अच्छे फ्लावर हो गए हैं, पहले ऐसे ही थे, अब इनको रोज़ पानी मिल रहा है ना, अब ये रोज़ इतने सुंदर सुंदर फ्लावर हो रहे हैं। मेरे हाथ पे पानी आ गया, ये बारिश का पता पता क्या चलता मुझे, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। और इसमें लीची भी नहीं लगी। एनीवे चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपने बर्तनों से। कल हम मैंने खाना बनाया था, मतलब बर्तन ही नहीं साफ किए थे, मैंने कहा कल ही करूँगी, अब सबसे पहले मैं करूँगी बर्तन साफ, उसके बाद फिर आगे का सोचेंगे सफाई वगैरह का। सफाई भी करने वाली पड़ी है, कल मैंने कुछ नहीं किया, मैं इतनी थक गई थी, ऐसे मुझे इतनी थकान फील हो रही थी ना, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सोई 2:30 बजे और उठी 7:30 बजे, मानोगे रात को 7:30 बजे उठी हो। और फिर ऐसे ही हो गया सारा, अब भी उठी हूँ मैं 7:30। फिर मेरे को रात को नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैं सोई 2:30 या 3 बजे सोई हो, और अब उठी हूँ जाके 9:30। और अब मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले की जाए बर्तनों की साफ सफाई, उसके बाद सारे काम। मिलती हूँ आपको ये वाले बर्तन साफ। और कल अभी मैं हो गई हूँ नहा धो फ्री, क्योंकि आज ना बहुत सारा काम था, क्योंकि सफाई की, झाड़ू पोछा किया, बर्तन साफ किए, खाना बनाया, बकेट भर के कपड़े धोया। भाई कब से लगी हूँ, 12:00 बज के 9:30 से लगी हूँ, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। अब बोलो जब वो होता है फिर मेरी हेल्प कर देते हैं, ऐसे तो मैं ही करती हूँ ना, हमेशा वो ही थोड़ी करते हैं, उन पर बड़ा तरस आता है। अब मेरे पे तरस करो सारे कि मैं काम कर रही हूँ, है ना, वो तो होगा नहीं फिर। हाँ चल ठीक है, मैं पहले कपड़े डाल देती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। और गाइस 12:30 हो चुके हैं, और 12:30 बजे मेरी क्लास है, अब बस खाना खाऊँगी और निकलूँगी। ये देखो इतने सारे कपड़े, अब फिर वो ही ख़त्म हो गए, ये वाले इसको क्या बोलते हैं, ये ख़त्म हो गए, अब हैंकी अंदर रख दूँगी, ये तो थोड़ी सी आवाज़ चलेगी तो हैंकी उठ जाएंगे इनके। जब हम घर गए थे तो कपड़े धोने वाले थे, तो उनकी ड्यूटी थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही चलते हैं, जब आएंगे तो मैं कपड़े धो के दे दूँगा। उस दिन धोए ही नहीं हमने कपड़े, तो इतने बच गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं सारा अपना ये काम खत्म कर ही लेती हूँ, करती हूँ सब ठीक है। अच्छी बातें मैंने बना दी है, साग बनाया मैंने, साग तो मुझे बाई चांस इधर साग मिल गया था, मैं इतने दिन से साग ढूंढ रही थी चलेरी का, और फाइनली मुझे कल मिल गया। और साथ ही साथ मैंने बना दिया चपाती, ये रही, और बस आप ये खाना मैं डालूँगी और खाऊंगी, देन जल्दी से रेडी हो गए
क्लास के लिए निकलूँगी। तो मिलती हूँ आपको मैं खाना वाना खा के रेडी होके जब निकलती हूँ। तो मुझे लेट एक पूछने वाला काम करते करते होगी मैं लेट नहीं वे यहाँ पे हार्डली मेरे को 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में नहीं, 7 मिनट लगेंगे बस, फिर पहुँच जाऊँगी और चलती हूँ आपको क्लास में। गाइस कम टू बैक, बड़े दिन से आए और गाइस फोटो चेक करो, प्यास लगी है थोड़ी थोड़ी। पानी दे दिया गाइस, तरह रही है गाइस, नहीं घुसती है ऊपर। तू चोर, मेरा पानी चोर ने आया था, दिखा कैसा। वाह लून का पानी गाइस, ये भी बोली चांद और सूरज एक ही जगह। देखना ये मेरा आटा गूंद रहे थे और आटे में मेहंदी मेहंदी हो गई, आटा गूंद रहे थे, 8 बजे आटा गूंद रहे थे तो देखना जो मेहंदी लगाई ना वो आटे में सारी मेहंदी मेहंदी हो गई और इनकी कुकर ने बोला क्या चपाती बनाई यहाँ तुमने, रेड रेड कलर की चपाती आ रही थी सुबह सुबह। होटल है मानवी जी, वो जी वाले वो जे भी है, जे भी मैम बैठे पीछे और ये भी है, ये देखो गौर से इस चेहरे को, गौर से देखो, गौर से देखो इस चेहरे को। वो एक वो आई है, वो पता नहीं अपनी डालो शालो में आ रही है। उसके बाद हम वेलकम टू बैक कर रहे हैं इस चैनल में। तो गाइस इसको पता नहीं क्या हो रहा है, एप्लीकेशन बोल अच्छा नहीं आज चांद और सूरज बोल आई एम सुबह इल रात को ठीक गाइस। इसको देखो बोला आई बैग गाइस, ये वो नहीं होती है जो सुरीसर वाला रोड देखा था, साइड साइड में बैठी होती है। हाँ पूरा वैसे ही, पूरा वैसे ही देख रहा है वो, इतना 9 नंबर का वो देखना है जी। है सारा इन्नू सा है, वो देखो पूरी शक्ल दे रहा है बंदरों वाली गाइस, पूरा पूरा ए टू जेड। दूर मत बोलो बुरा मत देखो तू भी उत्तर वाली चल, बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो, इतनी करनी कर, बुरा मत सुनो, अबे पूरा मत सुनो, पढ़ना सब बंद हो बेचारे को। हो गए, डॉक्टरों को भी देखें सोते कि नहीं।
नहीं सूखे हैं अभी तक, नहीं सूखे हैं, कब के धोए मैंने, कुछ कुछ सूखे हैं, कुछ 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 के मैक्सिमम सारे गिले ही हैं, क्योंकि ना वो था आज धूप नहीं थी, आज पूरे दिन छाया थी, तो इसलिए मैक्सिमम कपड़े गिले ही हैं इधर। अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ इनका, अंदर डाल दूँ है ना, कुछ सही करना पड़ेगा मुझे, सारे गिले हैं। थोड़ी देर रहते हैं, 7 बजे तक लग जाती है हवा इनको, उसके बाद सोचती हूँ इनका क्या करना है मुझे, अंदर करने के बाहर। और सकते हो कितना प्यारा लग रहा है पार्क, और अभी मैं बाहर ऐसे ही आगे जाने आ गया, अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी है, अभी थोड़ा वो होगा ना बोलते उसको, जब थोड़ी शाय होगी फिर मैं बाहर आती हूँ, तब तक ये सूख लेते हैं कपड़े। मैं तो उनके देख रहे थे, मैं तो बारिश वाला कोई सीन ना बन जाए, वो है नहीं। मैं सोच रहा हूँ आज कुछ चटनी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास पुदीना तो हो गया है, और इसको पता नहीं कब होश आएगी। एनीवे देखते हैं, आज पहले मैंने बनाना क्या है, मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रही। लेडी फिंगर और बीन्स और बैंगन, आलू बैंगन की सब्जी बना सकती हूँ मैं कड़ी, क्योंकि मेरे पास दही नहीं पड़ा है, समझ नहीं आ रहा है बाबू। मेरा मन पता क्या था, वो जो साग में दही को बना के वो नहीं करते हैं, सुबह मैंने साग ऐसे ही बना लिया, नहीं कि मैंने दही वाला साग बना रहा था, पर चलो कोई ना, आज नहीं तो कल से ही, अभी बड़ा टाइम है खाने का, बाद में सोचेंगे। आटा गूंदा हुआ है, सुबह मैंने आटा गूंद दिया था, तो अभी मेरे को सिर्फ सब्जी बनानी है। सब्जी सोचती हूँ मैं क्या बनाऊँगी, या तो लेडी फिंगर बना दूँगी जो कि मुझे अभी भी हो जाएगी और सुबह के लिए भी हो जाएगी, या तो बीन्स बनाऊँगी वो भी मुझे अभी और सुबह हो जाएगी। देखती हूँ, सोचती हूँ क्या बनाना है। और सब्जी मैंने बना दी, भिंडी, फाइनली मैंने सोच लिया कि मैं भिंडी बनाऊँगी, तो भिंडी बना दिया, तो देखो बाहर कितनी लाइट है। मैंने 27 बजे काम लगा दिया, मैंने सोचा कि जल्दी काम खत्म कर देती हूँ फिर चपाती बनाऊंगी फिर पानी, इसलिए मैंने पहले सब्जी बना के रख दी। मैं सब्जी बनाने का ही आलू चाहता है, सब्जी बना दी बस, अब चपाती बना लिया। खाना मेरा बन गया, बस खाना खाऊंगी और फिर आउट। एक मेरे घुटने में इतनी पेन है, घुटने से इधर पेन जाती है और इधर स्वेलिंग हो जाती है, फिर फिलहाल तो यहाँ पे पेन हो रही है, और यहाँ पे मैंने फिर पट्टी बांध दी थी। उफ, पता नहीं क्या क्या पेन है, और आज मुझे इतनी कमर में दर्द हो रही है ना, क्योंकि आज मैंने बेडशीट धोई और कपड़े धोए, अरे जो कि बहुत हैवी थे, और मेरे को डॉक्टर ने मना किया था मतलब ऐसे हैवी काम करने को, तो आज मैंने हैं यहाँ पे, तो इसलिए मुझे खुद करना पड़ा, लेकिन अब नहीं करूँगी मैं, क्योंकि अगर काम करूँगी ऐवे मेरे को बेड रेस्ट करनी पड़ेगी, और अभी रेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए अब मैं उतना ही करूँगी जितना हो पाएगा, सारा समेटने के चक्कर में नहीं रहूँगी। ठीक है, रेस्ट मैं खा लेती हूँ खाना।